दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। असम में एक गांव होता है जो कि शाम होते ही वहां के लोग उस रास्ते से बिल्कुल आना जाना बंद कर दिया करते थे, क्योंकि उस रास्ते से जो भी आना जाना करता वह हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाया करता था, और जो भी इंसान उस रास्ते को रात में देख लिया करता था वह डर से रात में सो नहीं पाया करता था। और उसी गाँव में एक शेखर नाम का आदमी बहुत बहादुर था, जो कि वह हर रोज उसी रास्ते से आया जाया करता था और उसे डर भी नहीं लगता था। शेखर उस रास्ते से हर रोज काम करके आया करता था। गांव के अड़ोस पड़ोस वाले भी शेखर को मना किया करते थे और कहते थे कि बेटा तुम इस रास्ते से मत आया जाया करो, यह रास्ता बहुत डरावना है। और उसकी पत्नी भी समझाया करती थी और कहती थी अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। और शेखर कहता है कि मुझे डर वर कुछ नहीं लगता है, मैं तो रोज़ उसी रास्ते से आया जाया करूँगा, गांव वाले बोले या जो मर्जी बोले। और शेखर रोज़ वहां से आना जाना किया करता है और उसे डर भी नहीं लगता है। लेकिन एक बार की बात है, तभी शेखर वहां से गुजर रहा होता है और शेखर को रास्ते में कुछ आहट सी महसूस होती है, जिसे देख कर शेखर हल्का सा डर जाता है और वहाँ से फिर भी जाने लगता है। शेखर कहता है कि लगता है कुछ तो गड़बड़ है आगे, और शेखर आगे एक भूतिया हवेली के पास गुजरने लगता है। तभी उस भूतिया हवेली से आवाज़ आता है, शेखर मुझे बचाओ। तभी शेखर सोचता है कि आधी रात को आकर किसकी मुझे ज़रूरत पड़ी है और मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। फिर भी शेखर वहाँ पर बिना सोचे समझे चला जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ पर एक चुड़ैल होती है जो शेखर को पकड़ लेती है और शेखर को कहती है तुम तो मेरे जाल में फंस गए हो, अब तुम्हें यहाँ मेरे से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और चुड़ैल शेखर को अपने पास रख लेती है। सुबह होने को आया था। शेखर की पत्नी शेखर के इंतजार में बहुत उदास बैठी रहती है और पड़ोसी के पास जाती है और कहती है शेखर मेरा अभी तक नहीं आया, मैं क्या करूँगा। तभी उसकी पड़ोसी कहती है कि तुम एक तांत्रिक बाबा के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर शेखर की पत्नी एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और रोते हुए कहती है तांत्रिक बाबा मेरा शेखर अभी तक वापस नहीं आया है। तभी तांत्रिक बाबा कहता है तुम मुझे कुछ मत बताओ, मुझे सब कुछ पता है, रात में तुम्हारा शेखर अकेले हवेली के पास आ रहा था। तभी उस चुड़ैल ने शेखर को पकड़ के रखा हुआ है, मैं अपनी तंत्र मंत्र से उसको छुड़ा लूँगा। जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने मंत्र से उस चुड़ैल को बुलाती है और कहता है तुम उस शेखर को वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल बहुत डर जाती है और शेखर को वापस कर देती है और शेखर और उसकी पत्नी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं।